देश में पिछले 24 घंटों में लगभग 11,000 नए कोरोना के केस हुए दर्ज। कृषि कानून वापस लेने के पीएम मोदी के ऐलान का आंदोलन कर रहे किसान संगठनों ने किया स्वागत। गुरु नानक जयंती के अवसर पर आज बंद रहेगा शेयर बाजार। दिल्ली में कम हुआ प्रदूषण, औसत AQI 369 पर पहुंचा। तमिलनाडु में बाढ़ के कारण कई ट्रेनें हुई रद्द। बेंगलुरु समेत चेन्नई के कई क्षेत्रों में आज भारी बारिश का ऐलान। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान टिम पेन पर लगे गंभीर आरोप, तुरंत छोड़नी पड़ी कप्तानी। गौतम बुद्ध नगर में नाबालिग से रेप के बाद जलाकर मारने के आरोपी को अदालत ने सुनाई उम्र कैद की सजा। गृह मंत्री अमित शाह लखनऊ में आज करेंगे अखिल भारतीय डीजी सम्मेलन का उद्घाटन। सिनेमाघरों में सूर्यवंशी की दहाड़ के बीच कॉमेडी से भरपूर बंटी और बबली फिल्म आज हुई रिलीज।